जी स्लीप सेंटर से आपके समक्ष मैं स्लीप एपनिया के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, कौन से प्राणायाम कौन से किसके लिए आवश्यक हैं, किस प्रकार से होता है और किन को करना चाहिए किन को नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं उज्जयी प्राणायाम का आपको बताता हूँ, उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार से होता है। उज्जयी प्राणायाम आपके स्लीप एपनिया के लिए काफ़ी लाभकारी है। ये टोंगसिन के लिए, गले से संबंधित समस्याओं के लिए, किसी को गले में कोई इन्फेक्शन है या फिर किसी प्रकार से कोई धूल का इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को, उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। ये गले से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको ये दूर करता है। पहले मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से उज्जयी प्राणायाम होता है। आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, सबसे प्रथम आप सिद्धासन में बैठे या सुखासन में बैठे तो वो अच्छा रहेगा। आप योग मुद्रा में रहिए, बैक को आपको स्ट्रेट रखना है, सांस को लेना है नोजल से, चिन को टच कीजिए, झुकना नहीं है, चिन को टच कीजिए, जितना होल्ड हो सके कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड से आपको सांस को निकाल देना है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आपकी जो गले की जो ग्रंथियां हैं उनको आपको खींचना है, जिस प्रकार से हम ये बात करते हैं कि जैसे एक बात देखिए, आप जब किसी को बोलेंगे चुप हो जाओ या यहाँ जाओ, इस प्रकार से जब हम कोई भी बात बोलते हैं तो हमारी जो ये ग्रंथियों का जो उपयोग होता है उसी को आपको खींचना है। ये फिर से देखिए, इसकी ट्रिक एक बार और बताते हैं आपको। आप माउथ को ओपन करके इस प्रकार से गले से सांस को अंदर की तरफ खींचिए, अब ये ही अभ्यास आपको माउथ बंद करके नोज से करना है। देखिए, सांस को रोकना है, जितना रुक सके। लेफ्ट हैंड साइड से सांस को निकालना है। ये लेफ्ट हैंड साइड किस लिए है, जब भी हम सांस को लेते हैं गले से घर्षण पैदा होता है जिससे सांस गर्म होती है, और सांस गर्म होती है तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा चंद्रवेदी प्राणायाम होता है इधर से, तो चंद्रवेदी की तरफ से मतलब शीतल पहुंचाता है, इसलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड से आपको सांस को छोड़ना है। हमेशा आपको लेफ्ट साइड से ही इसमें सांस छोड़नी है। फिर से देखिए, सांस को खींचिए, रोकिए, चिन को टच कीजिए, जितना सांस रुक सके रुकिए, लेफ्ट हैंड साइड से छोड़ दीजिए, आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी। और आप अगर ये अभ्यास आपको इतना लंबा ना हो पाए तो आप छोटा छोटा कीजिए, छोटा छोटा इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको छोटा छोटा अभ्यास करना है। ये आपके जितनी भी पुरानी प्रॉब्लम हो स्लीप एपनिया की या फिर स्नोरिंग की, जो खर्राटे आपको लेते हैं, जो पड़ोसी भी आप देखते होंगे जग जाते होंगे आपके, ठीक है, आपके आसपास के लोग जो डिस्टर्ब होते हैं आपके खर्राटों से, आप इसको दिन में 11 बार खाने से वो सुबह उठने के बाद करना है, खाली पेट करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इसको और वाकई में ही आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसका अभ्यास 21 बार कीजिए, सुबह 11 शाम को 10, या सुबह 21 बार एक बार आप इसका अभ्यास कीजिए, लेकिन आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। आपको नीचे गर्दन इस प्रकार से नहीं झुकानी, बस बैक को स्ट्रेट करके ये
थैंक यू, आपका शुक्रिया।